ये वीडियो देखने के बाद जिन लोगों को भी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को लग रहा होगा काश हमारे पास भी ऐसा कुछ मैजिकल प्रोडक्ट होता तो हम भी ऐसे रिमूव कर देते। तो आज का रेमेडी आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही मैजिकल रहेगा। आपको एक ही नहीं होगा शायद, लेकिन आप करके देखिए, एक हफ्ता, बस एक हफ्ता ही तो है, आप इसे ट्राई करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्या आपको पता है आपके स्किन के पोर्स में जब डस्ट और ऑयल जम जाता है तभी आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम दिखाई देता है, और आज इस रेमेडी के जरिए आप इसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो चलिए बताते हैं क्या क्या करना है। तो पहला स्टेप, आपको सबसे पहले फेस वॉश करना है। आप अगर बाहर जाएंगे तो आपके फेस में बहुत सारा धूल मिट्टी रहता है, तो आपको सबसे पहले फेस वॉश ही करना है। और मैं जो रेमेडी बता रही हूँ आपको रात में करना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि रात में हमारी स्किन बहुत अच्छे से काम करता है। सेकंड स्टेप में आपको कोई भी ऑयल या फिर मॉइस्चराइजर लेना है और अपने फेस पर मसाज करना है। साथ ही पिन की मदद से सारे ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को इस तरह से निकाल लीजिए। और मसाज करने के टाइम आप ऊपर से मसाज कीजिए, नीचे से नहीं करना है, क्योंकि इससे रिंकल्स आ जाएगा। आप फेस के ऊपर की तरफ ऑयल से मसाज कीजिए, और आपको पता ही है ऑयल मसाज करने से आपके फेस पे कितने सारे फायदे मिलते हैं। आपको 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पर मसाज करना है ऑयल से। इससे क्या होगा, आपके पोर्स में जो भी डस्ट होगा धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको थर्ड स्टेप, यहाँ पे स्टीम लेना है अपने फेस पर। आप थोड़ा सा पैन में पानी ले लीजिए, और गर्म करने के बाद इसके ऊपर से जो स्टीम निकलेगा आपको वही स्टीम अपने फेस पर लेना है। स्टीम आपको बिल्कुल दूर से लेना है, और स्टीम लेने से क्या होगा मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। इससे क्या होगा, आपकी स्किन में जो भी पोर्स होगा वो बिल्कुल ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी डस्ट चला गया है वो बिल्कुल धीरे धीरे लॉस होगा और स्किन के बाहर आता रहेगा। स्टीमिंग लेने के साथ साथ आपके जहाँ भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आपको स्क्रबिंग करना है। आपको यहाँ पे स्क्रबिंग के लिए गेहूं का आटा ले लीजिए, या फिर कॉफी ले लीजिए, या फिर ऑरेंज पील आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। धीरे धीरे मसाज कीजिए आपके जहाँ भी ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रबिंग करने से आपकी स्किन से डस्ट और ऑयल दोनों आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हमने बहुत सारा स्टेप कर लिया है, इससे तो निकलना ही है। तो अब 4th स्टेप हमारा बहुत ही इजी है। आप फिर से फेस वॉश कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे, थोड़ा सा ही कीजिए। पहले हमने ऑलरेडी फेस वॉश किया था, और अभी हम सारा प्रोसेस को निकालने के लिए फेस वॉश फिर से करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, 4th स्टेप में आपको मॉइस्चराइजर का अप्लाई करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑयल और डस्ट को निकालने के लिए स्टीम लिया है। और स्टीम लेने के बाद हमारी स्किन बिल्कुल डिहाइड्रेट और थोड़ा सा ड्राइनेस फील होगा, जिसके वजह से हमें यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बहुत ही जरूरी है। तो आप लोगों ने देखा, बहुत ही आसान स्टेप है, आप इसे करके देखिए, और यकीन मानिए एक हफ्ते में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब आप इस रेमेडी को पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो आप हफ्ते में 3 बार करिए, और जब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा तो आप इसे हफ्ते में 1 बार करिए, और यकीन मानिए आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और ये मेरा आपसे गारंटी है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो आप आके 1 लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरह के हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।